नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वीर रस की कविताएं आपको सदा जोश में भर देगी। इन्हीं कविताओं में से एक प्रसिद्ध कविता है कृष्ण की चेतावनी। यह कविता उस संदर्भ में लिखी गई है जहां भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन की अज्ञानता और अहंकार को देख युद्ध की चेतावनी दे आते हैं। इस कविता का उद्देश्य समाज में वीरता का संचार करना है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बेहतरीन और अनमोल कविता है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश आना है। यह संदेश क्या था? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। दुर्योधन ने क्या किया, कवि ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझमें, सहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक पेरू पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा में करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मुंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूट पड़ेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूशाही होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर ना अघाते थे,
धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। यह थी कृष्ण की चेतावनी।